आज की हमारी कहानी है हिरन और उसके सींग। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल के अंदर सभी जीव जंतु एक साथ रहा करते थे। उस जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था जहाँ पर सभी जीव जंतु प्रतिदिन पानी पीने के लिए जाया करते थे। दिन उस तालाब पर एक हिरन पानी पीने के लिए गया। जब वह हिरन उस तालाब के किनारे खड़े होकर पानी पी रहा था तो उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब पानी में दिख रहा है। अपने प्रतिबिंब को देख के उसको अपने सींगों पर बहुत गर्व हुआ कि उसके सींग कितने सुंदर हैं, पर वो अपने पैरों को देख के बहुत दुखी हुआ कि उसके पैर कितने पतले हैं। तभी उसको एक बाघ के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी जो उसी तालाब पर पानी पीने के लिए आया था। बाघ उस हिरन को देखकर उस हिरन के पीछे उसको मारने के लिए पड़ गया। हिरन बहुत तेज भागा, भागता रहा, लेकिन भागते हुए उसको एहसास हुआ कि उसके पैरों ने उसका कितना साथ दिया, परंतु उसके सींगों के कारण वो एक झाड़ी में फंस गया और वहाँ पे उस बाघ ने उस हिरन को मार दिया और उसको खा लिया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी इस बात के लिए दुखी नहीं होना चाहिए कि हमारे शरीर में कोई अंग खराब है या बेकार है, क्योंकि सभी अंगों का अपना अलग ही महत्व है और सभी हमारे लिए बराबर ही उपयोगी होते हैं।